आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के कल्याण में रहना चाहता हूँ कि माननीय महोदय आपके द्वारा ये चलाया गया संघनाद, आपके द्वारा ये चलाया गया असेंबली का घोड़ा अब रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा बन चुकी है। आज यहाँ पर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपका आशीर्वाद लेने के लिए, बहुजन समाज पार्टी में सस्ता लेने के लिए यहाँ पर हाजिर है। मैं अपने कार्यक्रम का आरंभ वहीं से करना चाहता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी की सूची है। मैं भाई मनोज कुमार जी से कहूंगा की आइए इस लिस्ट के मुख्य मुख्य लोगों को बुला करके आदरणीय मिश्रा जी से आशीर्वाद दिलाने की कृपा करिए। भाई मनोज कुमार जी सोनी कुमार की पार्टी भगवान और सोनी कुमार की पार्टी पार्टी रविशंकर मिश्रा कौशल कुमार त्रिपाठी विजय कुमार मिश्रा चुनू संजय शुक्ला चंद्रबली मिश्रा चंदू भाई विजय भाटी पाठी अशोक भयासी कौशल कुमार त्रिपाठी कौशल कुमार त्रिपाठी पप्पू लगभग 150 लोगों की सूची है जो कि आज लोगों ने भाई मनोज पाठी के नेतृत्व में माननीय श्री राम कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी का दामन स्वीकार किया है। हम सब लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इन पर विश्वास दिलाते हैं कि जो हम लोग के साथ हम लोग के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो हमारे मान सम्मान पर कुठाराघात किया गया है, जो हमारे यहाँ धर्मान मान सम्मान का विश्वासघात किया गया है, उसका सूद समय पर बदला देने के लिए हमारे आम आदमी सतीश मिश्रा जी हम सबके सामने आए हैं। मैं अब ज्यादा लागत करते हुए अपने मुख्य महोदय से अनुरोध करता हूँ तो कृपया वहीं पर आए, इस विचार गोष्ठी के माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद देने की कृपा करें और हम लोगों को मार्गदर्शन दें कि हम लोग इस प्रयागराज के माध्यम से शुक्र क्या करने का करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सतीश मिश्रा जी। आइए तो यार तो घोष हो जाए, नारे मेरा नहीं आया सबसे पहले भगवान श्री परशुराम जी के चरणों पर अपना शीश नवाते हुए, आज सावन का पहला सोमवार है और बाबा विश्वनाथ जी थोड़ी दूर पे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर स्थापित है। मैं बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में और भगवान श्री भोले शंकर जी के चरणों पर शीश नवाते हुए आज इतना पावन पर्व और हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है और मुझे इस बात का गर्व है कि आज हमको मौका मिला है प्रयागराज की इस धरती पर हंडिया के इस विधानसभा क्षेत्र में
आपके यहाँ सैदाबाद में हरियाणा सैदाबाद के क्षेत्र में आपके बीच में अपनी इस गोष्ठी हम लोगों की शुरू हुई है 23 तारीख से, और 23 तारीख से शुरू होकर के अब पूरे उत्तर प्रदेश में रामलला के दर्शन करने के बाद हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, और उसके बाद पूरे प्रदेश में जब संपूर्ण जिले हो जाएंगे तब तो उसके बाद इसको हम समापन करने का काम करेंगे। मुख्य उद्देश्य इस इन सब गोष्ठियों का, इन सब कार्यक्रमों का यह है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान में चल रही है और जिनके नेतृत्व में चल रही है, उनकी जो सोच है उस सोच में इतनी खटास है कुछ समाजों के बारे में खास तौर से, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश के, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, मैं भाई बहन हो, और ब्राह्मण समाज के लोग हो, वो बहुत ही ज्यादा दुखी और आतंकित हैं। ये सोच करके कि शायद इनको हम भयभीत कर लेंगे और इतना दबा देंगे कि अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, इस तरह के योजनाबद्ध तरीके से पिछले 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। और जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, जिस तरीके से दलित समाज की लड़कियों, यहां तक कि हाथरस में उसका रेप करने के बाद और उसको अपने माता पिता को भी उसकी उन्होंने अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शरीर नहीं दिया, बल्कि दिल्ली में बैठ करके, उत्तर प्रदेश के में बैठ करके मुखिया लोगों ने वहां से मॉनिटर करते हुए पूरे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी था उससे बराबर फोन में वार्ता करते करते ये तय किया, और ये जब तक निश्चित नहीं हो गया कि रात के अंधेरे में 2-2.5 बजे उस लड़की की के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसकी जलाने का काम करके जब खत्म कर दिया तब उसके बाद उनको चैन मिली। और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में जो हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके ऊपर हमलावर लोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल अपंग पड़ गया है, कानून का राज यहां नहीं रह गया। कानून द्वारा कानून का राज जो बहन मायावती जी की सरकार में चलता था, अब वो यहां कहीं नजर नहीं आता। एक हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में एक महिला का उत्तर प्रदेश में रेप हो रहा है, उसके साथ बलात्कार हो रहा है। ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, ये जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके अंतर्गत है कि हर 2 घंटे में एक रेप होता है। क्या इसी तरह का राम राज्य हम चाहते थे? हम अयोध्या गए तो हमको रोकने की कोशिश करी, अयोध्या में जिन पुरोहितों ने और जिन्होंने हमको दर्शन कराया, उसके बाद जाकर के कल वहां पर उनका उनके नाम पूछे गए, पते पूछे गए, और इसलिए कि ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया या भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको टिकट देंगे, एक पास इशू करेंगे, वही लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। हम पूछते हैं कि और कोई दर्शन क्यों नहीं कर सकता? क्या इन्होंने ही ठेका लिया हुआ है? क्या भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बन गए भगवान श्री राम के? क्या हमने से वो आपके और पूरे प्रदेश के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको वहां जाना वर्जित है? हमने अगर दर्शन किए तो हम भगवान श्री रामलला के दर्शन वहां पर करने के पहले, हम तो रोजाना करते हैं, हम तो उस समाज में जन्मे हैं जहां पर हमारे संस्कार ही ये डाले गए हैं कि पहले आप स्नान करिए सुबह उठ करके, उसके बाद ध्यान करिए,
और ये अभी से नहीं, बचपन से। जब जनेऊ हो गया तो उसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ने का निर्देश हुआ, कान में मंत्र पढ़ा गया और कहा गया कि इसके बगैर घर से नहीं निकलना है। हनुमान चालीसा बगैर पढ़े आप घर के बाहर कदम नहीं रखेंगे। तो हम लोग उस समाज से हैं और हमको ये सिखाया जाए, बताया जाए कि आप वहां पर नहीं आ सकते, हम तो रोज उनकी पूजा अर्चना करके ही घर से निकलते हैं। हमने तो जो लखनऊ में, जो लोग लखनऊ आते हैं हमारे जानने वाले, सबको मालूम है, उन्होंने दर्शन भी किए, मंदिर बनाया और उस मंदिर में भगवान भोले शंकर के साथ में भगवान श्री राम सीता और उनका परिवार भी है, भगवान श्री कृष्ण भी है और भगवान श्री गणेश जी, ये सभी लोग हनुमान जी हैं। तो हम लोग तो अपने कार्य करने के साथ साथ में भगवान के अनुयायी भी नहीं है और हम ही को रोकने की कोशिश की जाए। तो इसका जवाब अयोध्या के वासियों ने देने का काम किया है। अयोध्या में जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग, जब उनको ये खबर मिली कि रोकने की कोशिश हो रही, जिस तरह से इकट्ठा हुए वहां पर, उनको देखने के बाद, उनको रोके जाने के बाद भी जिस तरह से आके उन्होंने शंखनाद किया, जैसे आपने आज यहाँ शंखनाद किया और घंटे घड़ियाल और मंत्र के साथ में आपने आज कार्यक्रम शुरू किया, तो वहां पर भी उन्होंने उसी तरीके से फिर आगाज किया और उन्होंने कहा कि हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि हम भगवान श्री परशुराम के वंश हैं। उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण समाज है उसने ठान लिया है अब की बात, और खास तौर से 23 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश के ही ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हमको तो पूरे देश के ब्राह्मण समाज के लोगों के फोन आए और उन्होंने हर प्रदेश के लोगों ने फोन करके बात की और कहा कि हमें गर्व है कि आप जो है ब्राह्मण समाज की बात खुले मंच से करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों की तरह लुके छुपे नहीं। इस तरीके से नहीं कि मुंह में तो राम है और बगल में छुरी है, और छुरी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आतंक फैलाया आपने देखा कि ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति है खुलेआम गाड़ी से रोक करके और उतार करके उसका नाम पे एक बार पूछ लेते हैं फिर से कि ऐसा तो नहीं कोई और है, और जब पता लगता है कि ब्राह्मण समाज का है तो उसके गोली मारने का काम करते हैं। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। लखनऊ शहर में गाड़ी से जा रहा था तिवारी और वो नौकरी पेशा बाहर की कंपनी में काम करता था, लेकिन वो ब्राह्मण समाज का था, गाड़ी रोकी, नाम पूछा और गोली मार दी। घर में अपने माँ बाप को लखनऊ में देखने के लिए बीमार थे कोरोना के दौरान में, ब्राह्मण समाज का नौजवान एक मजबूत आदमी था पहुंचा, उसको वहां से उठा ले गए और ले जाके कंटेनमेंट में गोली मार दी। किस तरीके से प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में, झांसी में, हापुड़ में, अलीगढ़ में, नोएडा में, हाथरस में, पूरे प्रदेश में अगर गिनती गिनी जाए तो कानपुर में जितने लोगों को मारने का काम किया है उतने ही, उससे कहीं ज्यादा लोगों को लेकर के इन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग मारे। ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति कोई है तो उसके उसका अगर कोई अपराधी कहते हैं अपराधी है तो अपराध कोई अदालत में नहीं जाते उसके ऊपर साबित करने के लिए, चाहे वो नौजवान व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे, उससे उनको संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसका मकान तोड़ते हैं, मकान ढहाते हैं और उसके बाद उनके घर की महिलाओं को भी उठा ले जाते हैं। किसी से नहीं छिपा है किस तरीके से कानपुर में 16.5 साल की लड़की खुशी दिवे, क्या दोष था उसका, आपने कहा कि वो अपराधी है, आप पुलिस वालों पर हमला किया, ठीक है आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन अगर
एक लड़की जो दो दिन पहले ब्याह करके आई है, 29 जून को ब्याह करके आई थी, 2 तारीख को वारदात होती है, 30 तारीख को पहली तारीख उसका पहला और दूसरा दिन अपने घर में था, उसको उठा लिया और उसको बंद कर दिया। 3 महीने पहले जेल में बंद रखा, फिर जब पता लगा कि ये तो 16.5 साल की लड़की है तो रिमांड होम में भेज करके और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उसकी बेल खारिज करवाई। किस तरीके से? क्योंकि खारिज नहीं हो सकती थी कभी भी नाबालिग लड़की की बेल, ना उसके हाथ में बंदूक दिखाई गई थी, ना उसको मारते हुए दिखाया गया था। उसको पुलिस वाले का एक बयान लेकर के कि वो तो सड़क में, उन्होंने पुलिस वालों ने देखा कि छत में 3-4 महिलाएं खड़ी थी, तो उनमें से एक भी होगी। और इतना ही नहीं, उस बाराबंकी की रिमांड होम में जिसमें उसको बंद कर रखा है 2 कमरों में 48 लड़कियां बंद है, 48 लड़कियां 2 कमरों में, भेड़ बकरी भी अपने घर में, आप घर में 2 कमरों बंद नहीं कर सकते 48, लेकिन वहां 48 लड़कियां ठूंस के भरी गई। और उसमें कहते हैं कि वहां से एक जेल अधीक्षिका से रिपोर्ट लिखा के उच्च न्यायालय में दाखिल करने का काम किया कि इस लड़की की बेल इससे खारिज हो जानी चाहिए। ठीक है, नाबालिग है, इसकी बेल हो ही जाती है, लेकिन इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने धमकी दी है वहां 47 लड़कियों को कि हम जब बाहर निकल जाएंगे अगर बेल हो गई मेरी तो हम तुम लोगों को उठवा लेंगे। अरे वो तो पहले ही से बंद थे, उनको क्या उठवा लेंगे? और बेल खारिज कर सकती है करके अतिरिक्त महाधिवक्ता पूरी पूरी ताकत लगा करके ऊपर लखनऊ से मॉनिटरिंग करके कि किसी तरीके से खुशी दुबे की बेल नहीं होनी चाहिए, यह हमारा प्रेस्टीज इशू का मामला। आज 1 साल हो गया, 1 साल से जेल में है, 1 साल हो गया, उनके घर में काम करती थी एक महिला, उस महिला की एक 6 साल की बच्ची और 3 साल का लड़का, उस महिला को जेल में 1 साल से बंद कर रखा है बच्ची और लड़के के साथ, उन छोटे बच्चों का क्या दोष, उस महिला का क्या दोष जो घर में काम कर रही थी? 40 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जिनका नाम नहीं अज्ञात करके लिख दिया गया था FIR में, क्योंकि निर्देश था लखनऊ से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से निर्देश था कि जो है 100 लोग, 100 ब्राह्मण इस कार्यक्रम इस मामले में 100 ब्राह्मणों को ठिकाने लगाना, और जितने भी उस क्षेत्र में उनको मजबूत ब्राह्मण दिखे उन सबके नाम डाल दो। 40 लोग, कितने तो एनकाउंटर हो गए, कितने एनकाउंटर हो गए उसमें से 40 में से गाड़ियां फिसली, एक ही तरीका, गाड़ी फिसल गई, गाड़ी से वो निकले, उन्होंने भागने की कोशिश की और गोली मार दी गई। एक में, 2 में, 3 में, यही तरीका हर एक। और 40 से ज्यादा लोग आज भी जेल के पीछे सर बैठे हुए, और उसके पहले उनकी जो प्रताड़ना हुई वो अलग बात है। आज पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज इस बात का पछतावा कर रहा है कि हमने कौन सी वो इतनी बड़ी गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी कि हमने इनके साथ में इनके बहकावे में खड़े हो गए, हम इनके बहकावे में आ गए कि ये तो मंदिर बनवाएंगे, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, हमारा हम तो भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको चलो अपनी बारी को दे देते हैं। मंदिर बनवाया क्या उन्होंने 5 साल, उनकी दिल्ली में भी सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, इसके पहले भी 5 साल रहे, लेकिन कोई अपना, उन्होंने चाहते तो कानून बनवा सकते थे पार्लियामेंट में, जब हर तरह का कानून पास करा लेते हो धक्का मुक्की करके तो ये भी करा सकते थे, लेकिन नियत नहीं थी। भगवान श्री राम को तो उन्होंने राजनीतिक पर एक वोट के लिए बना के छोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया जिससे कि भगवान श्री राम का मंदिर बन सके। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्णय दिया तब मजबूरन उनको आगे बढ़ करके और दिखावे का काम करना पड़ा। कौन सी उसमें उनकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, इन्होंने तो कोई योगदान नहीं दिया, लाखों 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 करोड़ हजार करोड़ रुपए इन्होंने जमा करा लिए देश विदेश, अभी 11,000 करोड़ तो निर्णय होने के बाद जमा करा लिए अपने पास, लेकिन कहां गए वो रुपए? इसका हिसाब पूरा ब्राह्मण समाज मांग रहा है, प्रदेश के साथ साथ, देश के साथ साथ, इस प्रदेश के
और देश का हर ब्राह्मण समाज इनसे जानना चाहता है कि हमारे सामने ये तो बताओ, खाता बोलो कि तुमने कितना रुपया इकट्ठा किया भगवान श्री राम के नाम पे, उसका क्या इस्तेमाल किया और कितना दुरुपयोग किया, वो भी लोगों ने अखबारों में पढ़ा। मंदिर बनाने की बात करते हैं, हम लोगों की सरकार थी 2007 से और 2012 के बीच में पूरे प्रदेश में किस तरह से विकास करा था और कितनी जल्दी विकास का कार्य किया था, वो एक मिसाल पूरा विश्व में मिसाल है। हर जिले में विकास का काम किया था और बिल्डिंग बना जो ये न्यू नहीं बना पाए हैं, हमारी सरकार में हर 175 एकड़ के क्षेत्र में और डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाया गया जो हमारे संविधान के रचयिता और जिनके संविधान की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित जो है, हालांकि सुरक्षित इस सरकार में नहीं कह सकते सुरक्षित है, कौन सी तरीके से आपके ऊपर धावा बोल रही है, पिक्चर की शूटिंग होती है और उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी का बना पार्क बनाए पब्लिक के लिए और एक दो नहीं अनेकों पार्क बनाए और यहां से लखनऊ से लेकर के और नोएडा तक बनाया, लेकिन खर्चा कितना किया, इनके पास तो लाखों करोड़ रुपया बनाने के लिए और न्यू नहीं डाल पाए हैं डेढ़ साल में, एक साल में, एक साल पूजन किए हुए, भूमि पूजन तो खैर नहीं किया था, ईंट पूजन करेंगे उसको, ईंटे का पूजन करेंगे, भूमि पूजन होती है जब भूमि की न्यू की पूजन करिया और भूमि का पूजन आज तक नहीं हुआ। इन्होंने तो ईंटा रख करके और 250 करोड़ रुपए खर्च करके उन चार ईंटों की पूजा करी, लेकिन अभी तक न्यू ऊपर नहीं आ पाई और वहां 2200 करोड़ रुपए में ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने पार्क थे भूमि पूजन के नाम पे जो आयोजन किया था वो कोई शुभ दिन नहीं था इस काम के लिए, वो अशुभ दिन था। और उसके बाद भी जानते हुए इन्होंने क्या, क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं है, जितने अयोध्या के महापंडित हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, बता सकते थे कि ये समय है, उनको तो धक्का देके किनारे करने का काम किया था, वो तो नजदीक भी नहीं आ सकते थे उस जगह उस दिन, उनको बैरिकेड लगा करके बाहर कर दिया गया, खाली इनके चुनिंदा जो छठे हुए जिनको इन्होंने कहा था कि इनको आ सकते हैं वही आ पाए और इन सब जितने ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको उस कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। ईंट की पूजन आपने भूमि पूजन नहीं सुना होगा कभी, ईंट की पूजन होती है और चूंकि भूमि पूजन नहीं हुआ आज तक, तो इसलिए आज भी हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा किसी को नहीं मालूम, पर ये बनाना नहीं चाहते क्योंकि अगर बना देंगे भगवान श्री राम को लेंगे फिर कैसे कहेंगे कि अरे हमको वोट दे दो, हमको पैसा दे दो इन कामों के लिए, और इस्तेमाल किसलिए कर रहे हैं कि दोबारा से इनकी सरकार बन जाए और अब की बार अभी तो इतना हमलावर हुए थे, अभी तो कहते हैं वो लोग कहते हैं जब ब्राह्मणों की बात और ब्राह्मणों ने आवाज उठानी 23 तारीख से शुरू कर दी है तो ब्राह्मणों को धमकियां मिलने लगी कि आप तैयार रहिए, ये तो अभी छांकी थी और अब तो आगे बाकी है कि आप देखिए क्या होगा पूरा, ये तो शुरुआत ही आपने देखा खाली हमने 4.5 साल में किया किया है, एक बार दोबारा 5 साल की सरकार बना दीजिए और फिर देखिए हम आप लोगों को अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को क्योंकि दलित समाज को वो टस से मस नहीं कर पा, वो जानते हैं कि इनका हम साथ हम कुछ भी कर ले हम इनको हिला डुला नहीं पा रहे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि इनको तो चुन चुन के हम लोग चुकी ठीक कर रहे हैं इनको हम उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में खड़े हैं बहन मायावती जी के पीछे क्योंकि वो जानते हैं कि वो जब तक बहन मायावती जी हम लोगों का नेतृत्व करती हैं और कर रही हैं तो उनको डरने और दबने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहन मायावती जी ने उनको ये बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।